आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए सोलन पुलिस ने बैठक करके रणनीति बनाई। एसपी मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस ने संवेदनशील व अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर नजर रखने की चर्चा की। बैठक के दौरान एसपी मधुसूदन शर्मा ने कहा कि पुलिस चुनावों के दौरान नशे की तस्करी करने वालों पर भी विशेष नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि चुनावों में पुलिस के व्यस्त होने की आड़ में तस्करों के सक्रिय होने की संभावना रहती है। इसके अलावा चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए दिन व रात के समय गश्त शुरू कर दी है। प्रदेश में दाखिल होने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है। संदिग्धों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जैसे कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो जो भी चुनाव आयोग द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करने के बारे में कहा गया। लोकसभा चुनाव के लिए हमने अपनी गश्त बढ़ा दी है, दिन और रात की गश्तें बढ़ा दी हैं, हथियारों को जमा किया जा रहा है और जो व्यक्ति जिनके ऊपर शक है उनकी पूरी निगरानी रखी जा रही है और कानून व्यवस्था को ठीक चुस्त दुरुस्त रखा जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस बल समय आने पर मिलेगा और जो पोलिंग स्टेशन हैं, जो मापदंड चुनाव आयोग ने दिए हैं उनके अनुसार उनमें फोर्स की तैनाती की जाएगी। हमारे 10 पोलिंग स्टेशन को क्रिटिकल और 46 को वल्नरेबल और पुलिस को ये बताया गया कि वो जो क्राइम है, अपराध है, उसके ऊपर अंकुश लगाएं और जो हमारे अन्वेषणाधीन मुकदमे चल रहे हैं उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करें। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, तो उस अभियान को जारी रखा जाएगा और मेरा सोलन की जनता से ये आग्रह है कि वो जैसे पहले सूचना देते रहे हैं वैसे ही हमें सूचना देते रहे और हम नशे के खिलाफ अभियान को जारी रखेंगे। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।